हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और साथ ही साथ हम देखेंगे राष्ट्रपति और साथ ही साथ गवर्नर की क्या क्षमादान की शक्तियाँ हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, हमें सभी को पता है कि आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में कुछ पार्डनिंग पावर है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये है कि क्या पार्डनिंग पावर जो हमारे प्रेसिडेंट को है, क्या वो केवल और केवल इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, या ये कुछ ऐसा नोवल फीचर है जो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, यूएसए के अंडर भी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनको पास कुछ सर्टेन केसेस में पार्डनिंग पावर होती है, वहाँ भी क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। और यूके के भी जो आपके मोनार्क होते हैं उनके पास में पार्डनिंग पावर सर्टेन केसेस में होती है। तो कोई ये क्वेश्चन पूछे कि क्या केवल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवल फीचर है कि केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के गवर्नर के पास, राज्य के गवर्नर के पास ही केवल ये फीचर क्या केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है? ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 72 के अंदर हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट के पास में क्या है, हमारी पार्डनिंग पावर है, लेकिन ये कोई नोवल फीचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही ऐसा है, और कंट्रीज़ में भी है। देखिए, इसके लिए ये पार्डनिंग पावर क्यों दी गई है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्या एक रैशनल है उसके पीछे का कि राष्ट्रपति को ये पार्डनिंग पावर दी गई है। देखिए, उसके पीछे के दो रीज़न हैं। दो रीज़न क्या है, एक रीज़न क्या है, देखिए, हम सभी जानते हैं कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी रेस्पेक्टेबल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी इनफेलिबल हो। इनफेलिबल का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी से गलती नहीं हो सकती, किसी से भी गलती हो सकती है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है, पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए। मान लीजिए, अगर कोई ऐसा लग रहा है कोई जुडिशियल एरर हो गई है, ठीक है, कि जुडिशरी से अगर कोई एरर हो रही है, तो उस एरर का खामियाजा किसी आदमी को अपनी जान दे के ना भुगतना पड़े, या किसी आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, इम्पैक्ट ना हो जाए, तो एक जुडिशियल एरर से बचाने के लिए एक हमने ये अपना डोर को ओपन रखा, एक हमारे पास ये ऑप्शंस है। पहला रीज़न क्या है, पहला ये पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न टू ग्रांट द पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट, ये आपसे कोई पूछ सकता है। तो पहला रीज़न क्या है कि ये इनकेस अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर कोई जुडिशियल एरर हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है न्यायालय से, तो उसको सुधारने के लिए पहला तो एक ये। दूसरा वजह क्या है, दूसरी वजह क्या है, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय आपको किसी भी आदमी को उसकी सजा के मुताबिक ही सजा दे। ये ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कि किसी आदमी को उसकी क्राइम से बहुत ज़्यादा सज़ा मिल जाए। ऐसी सजा को कहते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब उसका क्राइम बहुत छोटा है, कोई पेटी क्राइम है कोई, बट उसको जो सज़ा अवॉर्ड की गई है, सज़ा तो उसको मिली है, वो बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये सज़ा बहुत ज़्यादा हार्श है, कि बहुत ज़्यादा ही ये क्या है, अनुचित है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो उसको अनुचित ठहराते हुए प्रेसिडेंट उस केस में भी अपनी पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 के अंदर वो यूज़ कर सकते। तो दो बेसिक रैशनल है। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमें सभी को पता है कि हमारी जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी जो है, वो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड के अंदर काम करती है हमारी जुडिशरी। फॉर एग्जांपल, कि सबसे नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर हमारी स्टेट में हाई कोर्ट होती है, और सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है ऑल ओवर द इंडिया में। तो ये एक पर्टिकुलर चेन बनी हुई है, एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड बनी हुई है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। अब लोअर कोर्ट की कोर्ट अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक अपील का चैनल है, यानी सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट के तीन फंक्शन, हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फंक्शन होता है कि वो कैसे काम करती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि वो क्या काम करती है, वो स्टेट सेंटर और स्टेट और स्टेट के बीच में निपटारा करती है विवाद का। ये उसका बेसिक मेन हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा ही एक उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, कि वो अपील भी सुनेगा। अगर किसी आदमी को हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील करनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको बाउंड है सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को नकार नहीं सकता, उसको अपील सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी एक ड्यूटी है, एक उसका फंक्शन है। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास में अगर कोई क्षमा याचना लगा रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको सुनने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि ये जो आपने अगर पार्डन के लिए कहीं पर प्ली दी है, कोई आपने अगर याचिका दी है सजा माफ़ी के लिए, तो ये कोई अपील नहीं मानी जाएगी कि जिसको सुनने के लिए प्रेसिडेंट को बाध्य है या नहीं। ये सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को, कि जुडिशरी की जो इंटीग्रेटेड चेन ऑफ कमांड है, उस चेन ऑफ कमांड से अलग हैं, वो सेपरेट काम कर रहे हैं, वो फंक्शन काम कर रहे हैं एज ए जुडिशरी के ही, लेकिन वो अभी भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, वो जुडिशरी का पार्ट नहीं बन गए।
जुडिशरी से वो बिल्कुल अलग ही हैं, तो वो बाउंड नहीं है किसी भी अपील को सुनने के लिए। हो सकता है वो उसे सुने भी नहीं, ना भी कर दें। पहली चीज ये आपको मैं बताना जरूरी समझा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब भी हम पार्डनिंग पावर की बात करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर दी गई है। सबसे पहला है जैसे पार्डन या दोष मुक्ति। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 कि वो किसी भी अपराधी को सज़ा तो उसकी माफ़ कर ही सकते हैं। मान लीजिए अगर उसको फांसी की सज़ा, तो उसकी फांसी की सज़ा तो माफ़ हो ही गई, साथ ही साथ उसके ऊपर जो दोष सिद्ध हो चुके थे, जो न्यायालय ने उसके दोषों को सिद्ध कर दिया था, उन दोषों से भी उसको मुक्त कर दिया जाएगा। यानी उसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे उन चार्जेस को भी हटा दिया जाएगा। इसे कहते हैं पार्डन करना। दूसरा होता है एक कम्यूटेशन या विनिमय। कम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपने सज़ा जो कि बहुत कठिन थी, मान लीजिए 8 साल की सज़ा थी, तो आपने हो सकता है उसको 4 साल की कर दी, या हो सकता है फांसी की सज़ा थी तो आपने उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, एक बड़ी सज़ा को, एक जो कठिन सज़ा थी उसको आपने लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आपने डेथ सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, उम्र कैद में कर दिया। फॉर एग्जांपल ये जो निर्भया के जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, जो निर्भया कांड में, वो अपने आप को क्या मांग रहे थे, वो कम्यूटेशन ही मांग रहे थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब ने उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि वो फांसी की सजा को किस में कम्यूट करवाना चाह रहे थे, वो कम्यूट करवाना चाह रहे थे अपनी उसको उम्र कैद में, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया उनको। तो पार्डन में और कम्यूटेशन में आपको डिफरेंस समझोगे। पार्डन में क्या होता है, बिल्कुल सजा के साथ साथ दोष भी हटा दिया जाता है, उसके ऊपर अब कोई आरोप भी नहीं है। ठीक है, दूसरा कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में एक सजा को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी में, लेकिन उसका नेचर भी चेंज कर सकते हैं आप। कम्यूटेशन में ये है, नेचर चेंज करने का मतलब ये कि अगर उसको डेथ सेंटेंस तो आपने उसको फांसी की सजा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया उसको लेट से उम्र कैद में, या आपने 8 साल की सजा को किस में कन्वर्ट कर दिया, 7 साल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब ये है कि आपने केवल उसकी सजा का जो पीरियड है उसको कम कर दिया। आपने क्या कर दिया कि चरित्र को नहीं बदला आपने, उसको कैरेक्टर को नहीं बदला आपने, कि ऐसा नहीं कर दिया आपने कि अगर उसको फांसी की सजा तो आपने उम्र कैद बदल दिया, तो आपने उसका कैरेक्टर ही बदल दिया। आपने उसका कैरेक्टर नहीं बदला, बस आपने उसकी अवधि को कम कर दिया। मान लो अगर 2 साल की सजा है तो आपने 1 साल में कन्वर्ट कर दिया, या 7 साल की सजा है तो आपने 3 साल में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है रेमिशन, केवल टाइम पीरियड कम किया है आपने विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, बिना उसके चरित्र को बदले। चौथा जो तरीका है पार्डनिंग का वो है रिस्पाइट या विराम। इसमें क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल ऐसे ग्राउंड बन गए, कोई ऐसी एक परिस्थिति बन गई किसी अपराधी के साथ, उस परिस्थिति में आप उसको क्या कर रहे हैं, उसकी सज़ा को माफ़ कर रहे हैं या आप उसकी सज़ा को कम कर रहे हैं। जैसे वो परिस्थिति हो सकती है कि शारीरिक अक्षमता, मान लीजिए डिसेबिलिटी हो गया, कोई आदमी डिसेबल है, या मान लीजिए सिख है, कोई आदमी बीमार हो गया है उस केस में, या कोई महिला है जो प्रेग्नेंट हो हैं उस केस में, किसी स्पेशल ग्राउंड पे ही, चाहे वो सिकनेस हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, उस केस में हम क्या कर देते हैं, उसकी सज़ा को थोड़ा कम कर देते हैं। मान लीजिए 6 साल की सजा थी तो उसको 2 साल की सजा कर दी, या 3 साल की सजा कर दी। ये होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट ऐसे याद रखिए, SP मतलब स्पेशल, तो स्पेशल मतलब वही केस। SP मतलब स्पेशल, तो स्पेशल मतलब कि केवल स्पेशल ग्राउंड पर आपने क्या कर दिया, उसकी सजा को हार्ड से थोड़ी सॉफ्ट कर दी। ठीक है, लेसर सेंटेंस आपने दे दिया। फिफ्थ जो तरीका होता है पार्डनिंग का, वो होता है रिप्रीव या दंड विराम। देखिए नाम से पता लग रहा है दंड विराम, आपने एक तरह का उसको कुछ टेम्परेरी रूप से, कुछ थोड़े समय के लिए आपने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया कि टेम्परेरी पीरियड के लिए आपने उसकी सज़ा पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं कि उसको माफ़ कर दिया है या उसको अब सज़ा नहीं मिलेगी, केवल आपने कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसकी सज़ा पर रोक लगा दी। ये है क्या, यह दंड विराम। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक चीज़ सीखनी है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ में हमारे पास गवर्नर के पास में भी पार्डनिंग पावर होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि गवर्नर की और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि आर्टिकल 161 के अंदर ये क्या दे रखा है, इनको पार्डनिंग पावर है गवर्नर को। पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो मिलिट्री कोर्ट के किसी डिसीजन के भी अंतर्गत वो उस किसी को अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोर्ट मार्शल जो होता है वो एक मिलिट्री कोर्ट अलग होती है, उस मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी प्रेसिडेंट
क्या कर सकते हैं, अपनी पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 का यूज़ कर सकते हैं, जबकि गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती कि वो मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल के केस में वो कुछ भी अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ नहीं कर सकते। पहली बात, वहाँ पर उनके साथ पास जीरो पावर है। देखिए ये लिखा हो ना कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, दूसरा केस देखिएगा कि देखिए राज्यपाल के पास एक लिमिट होती है, गवर्नर के पास एक लिमिट होती है कि गवर्नर केवल और केवल जो स्टेट का लॉ है उस लॉ के अंतर्गत अगर किसी को सजा मिली है तो उसी केस में वो अपनी पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 के अंदर यूज करेंगे। वो सेंट्रल के, सेंटर ने कोई लॉ बनाया है उस लॉ में किसी को सजा मिली है तो गवर्नर उस पर अपनी पार्डनिंग पावर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी केवल और केवल क्या, स्टेट के लॉ में। अच्छा, अगर स्टेट के लॉ के अंदर भी किसी आदमी को अगर डेथ सेंटेंस मिला है, मौत की सजा मिली है, तो प्रेसिडेंट उस डेथ की केस में उसको पार्डन नहीं कर सकते, उसको माफ़ नहीं कर सकते, बस उसको कम्यूट कर सकते हैं, उसको रेमिट कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। यानी ये एक बड़ा डिफरेंस है कि हालांकि गवर्नर की पावर केवल और केवल राज्य के कानून तक ही सीमित है, राज्य के कानून के अंतर्गत अगर कोई उन्होंने क्राइम किया है उस सजा में ही वो किसी अपराधी की सजा में क्षमादान की पावर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो फांसी की सजा को पार्डन नहीं कर सकते, वो उसको कम्यूट कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन। ऐसा नहीं है कि वो फांसी की सजा के केस में कुछ भी नहीं कर सकते, वो कम्यूट कर सकते हैं उसको, वो रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, बट वो उसको कभी भी पार्डन नहीं करेंगे। एक ये डिफरेंस है। तो ठीक है, एक तो मिलिट्री कोर्ट वाला आपको समझ में आ गया डिफरेंस, और एक आपको समझ में आ गया कि डेथ के केस में जो गवर्नर की पावर है वो थोड़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर के पास में कुछ भी पावर नहीं है, पावर है बट वो पावर लिमिटेड है। क्या है कि वो पार्डन नहीं कर सकते, उसको कम्यूट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, छूट परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है कम कर, लेकिन वो मौत की सजा को निलंबित या उसको पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हालांकि आर्टिकल 72 के अंदर और आर्टिकल 161 के अंदर प्रेसिडेंट की और आपका गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उनको बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली करके दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जुडिसी ने कुछ चीज़ें ऐसी इंटरप्रेट करी हैं जिनमें गवर्नर की पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड कुछ उसने अपना क्लैरिटी दी है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर प्रेसिडेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है तो हमें पता है कि आर्टिकल 74 के अंदर हमें पता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मंत्रिपरिषद होता है आर्टिकल 74 के अंदर, हमें चीज़ पता है। लेकिन क्या जब प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करेंगे उस केस में भी उन्हें COM से पूछना है या नहीं पूछना है, या वो अपनी मर्जी से उस डिसीजन को ले लेंगे, क्या वो उनकी डिस्क्रिशन पावर है कि वो अपनी मर्जी से ले लेंगे, या वहाँ पर भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग चलेंगे, या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के खिलाफ जाके कोई डिसीजन ले सकते हैं पार्डनिंग के केस में, क्षमादान के केस में, कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने तो कुछ और उनको एडवाइस दिया है, उन्होंने कुछ और ले ली। ये चीज़ें क्लियर हुई मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि जो पावर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसको उनको जो यूनियन सी कैबिनेट है कैबिनेट की सलाह के अकॉर्डिंग ही उनको मानना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पावर नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, ये पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्रीव, रेमिशन, रिस्पाइट, ये तो सभी ने पढ़ रखा है। क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं इन चीज़ों से कि क्या होगा ये किस में, क्योंकि ये क्या है, जुडिशरी ने अपने आप से इंटरप्रेट किए हैं। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इंटरप्रेट करके उसने कह दिया कि नहीं भैया कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की सलाह पर ही अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़ है, देखिए ये क्या है, ये कह दिया, मान लीजिए एक केस हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जी के जो हत्यारे थे उनमें से एक जो बच गए थे, कहर सिंह उनका नाम था, उनका ये आर्गुमेंट था जब उन्होंने प्रेसिडेंट के पास अपनी दया याचिका लगाई तो उनका ये कहना था कि देखिए मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट के सामने अपना पक्ष रखूँगा कि किन हालातों में मैंने वो काम किया। तो उन्होंने जुडिशरी के सामने ये बात कही लेकिन जुडिशरी ने उनकी इस चीज़ को मना कर दिया और कह दिया कि याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं, कि आप उनके सामने जाके पेश होकर अपना पक्ष रखें या उनका फैसला आप उनके समक्ष जाके अपना कोई अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, ये राइट किसी के भी पास नहीं है। ठीक है, कुल मिला के यानी क्या है भैया कि हेयरिंग प्रेसिडेंट के सामने नहीं होगी। ठीक है, दूसरा चीज एक और क्या है कि देखिए जुडिशरी क्या कर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से भी नए तरीके से नए सिरे से
सबूतों की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए जुडिशरी ने एविडेंस की जांच करी और उस सबूतों के आधार पर जुडिशरी ने कोई डिसीजन लिया, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो फिर से दोबारा से अपने लेवल से उसको एविडेंस कर सकते। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। वो तो नहीं पूछेगा सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 161 में क्या है, या रेमिशन का मतलब क्या है, या रिप्रीव का मतलब क्या है, या कम्यूटेशन, वो तो नहीं पूछेगा। लेकिन यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने में हो सकता है गलत लगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो प्रेसिडेंट उस डिसीजन को किस बेस पर लिया है उसका रीजन बताने के लिए वो बाउंड नहीं है, वो नहीं बताएंगे उसे, ठीक है। अगला क्या है कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि वो सबूतों की जांच अपने नए सिरे कर सके। राष्ट्रपति ना केवल उस वाक्य से जिसे वह अनुचित रूप से कठोर मानता है बल्कि एक स्पष्ट गलती से भी राहत दे सकता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट क्या है कि सेंटेंस को ये नहीं कि केवल वो सजा बहुत कठोर है इसीलिए वो उसको क्या कर रहे हैं, भाई मैंने बताया ना दो ऑब्जेक्टिव है पार्डनिंग पावर देने के, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि सजा बहुत कठोर है तो तब वो उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि केवल वो तभी दें, वो उसको तब भी दे सकते हैं कि मान लीजिए उनको ये लगता है कि वास्तव में कि सजा कठिन के साथ साथ मान लीजिए अगर उनको ऐसा लगता है कि भैया एविडेंस को जुडिशरी ने लिया ही गलत वे में है, मान लीजिए कुल मिला के केवल ये वजह नहीं है कि सजा अगर कठोर है तो प्रेसिडेंट तभी उसको पार्डनिंग की पावर यूज़ करेंगे, अगर उनको ये लगता है कि कोई एविडेंस को देखने में कोई गलती हो गई है, अगर उनको ये लगता है कि किसी गलती की वजह से, मतलब जुडिशियल एरर को भी वो एक इसमें बताया गया। आगे देखते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये केस है 2006 का, इपुरू सुधाकर केस 2006, इसमें सिंपली बात कह दी थी कि देखिए इससे पहले ये माना जाता था कि प्रेसिडेंट, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है जुडिशियल रिव्यू, आपको पता ही है कि जुडिशियल रिव्यू एक्सपेंड होता ही रहता है, इसका स्कोप इतना अनलिमिटेड होता जा रहा है कि कोई लिमिट नहीं है इसके आज के टाइम में। तो वो यही था कि 2006 से पहले जो केस था उसमें यही मानते थे कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नहीं हो सकता, उस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कर सकती नहीं कर सकती। ये बात जुडिशियल ने क्लियर करी सुप्रीम कोर्ट ने इपुरू सुधाकर केस 2006 में, इसमें जुडिशियल ने सिंपली कह दिया कि हालांकि प्रेसिडेंट के डिसीजन का अब जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे पार्डनिंग पावर के केस में, लेकिन अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि उनका ये फैसला आर्बिट्री है, इरेशनल है और गलत सोच से है, दुर्भावनापूर्ण है, तर्कहीन है, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट के डिसीजन का रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर होता था। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपसे स्टेटमेंट में कि क्या कभी प्रेसिडेंट के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, केस का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे एपुरू सुधाकर। और देखिए एक अभी जब निर्भया वाले आरोप केस था तो उस टाइम पे एक केस बार बार खबरों में आ रहा था कि कहीं शत्रुघ्न चौहान का मामला तो नहीं बन जाएगा ये भी। देखिए शत्रुघ्न चौहान का एक केस है 2014 में, उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पेसिफिकली कह दिया था कि अगर प्रेसिडेंट साहब अपना पार्डनिंग का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो नहीं तय कर पा रहे कि उनको ये क्षमा याचना कैंसिल करनी है या उसको एक्सेप्ट करनी है, अगर वो कन्फ्यूजन में है और बहुत डिले हो रहा है, ठीक है ना, डिले हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि उस टाइम पे जिस आदमी ने क्षमा याचना लगाई है, जो एक अपराधी है, उसके लिए ये डेली एक टॉर्चर जैसा होगा। मान लीजिए उसने एक महीना हो गया क्षमा याचना लगाए हुए लेकिन प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए तो एक एक दिन काटना बड़ा क्या है, बड़ा टॉर्चरस है। तो जुडिशरी ने शत्रुघ्न चौहान 2014 का एक केस है याद रखिएगा, उसमें सिंपली जुडिशरी ने कह दिया कि भैया अगर कोई भी अनुचित देरी होती है, कोई भी अनडू डिले होता है, तो ये सीधा सीधा केस बन जाएगा ऑटोमेटिक कम्यूटेशन का। आप समझ रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक कम्यूटेशन हो सकता है अनड्यू डिले के केस में, ठीक है ना, ये आपको पता लग गया। देखिए ये जो लास्ट में मैंने 8-10 पॉइंट लिखवाए हैं, ये 4-5 पॉइंट और इससे पहले वाली जो स्लाइड है, यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो रिप्रीव रिस्पाइट रिमी वहां से नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा सिंपली कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ही कही अपने जजमेंट्स में, डिफरेंट जो जजमेंट मुझे पता थे वो मैंने लिख दिए, जो नहीं पता है उनको आप बस याद रखिए। राष्ट्रपति द्वारा देर इज नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस, न्यायालय राष्ट्रपति को कोई भी गाइडलाइंस इशू नहीं करेगी कि उनको किस तरीके से अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करना है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है ना। और एक ये भी था कि अगर राष्ट्रपति ने किसी की दया याचिका को खारिज कर दिया है तो अब दूसरी दया याचिका कोर्ट में जारी करके अब राष्ट्रपति के ही ऑर्डर पर आप स्टे ऑर्डर लें, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये जो निर्भया वाले केस में थे उनके वकील ने ये भी कोशिश करी थी कि अगर राष्ट्रपति ने
उनकी दया याचिका खारिज कर दिया, तो उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस फाइल कर दिया राष्ट्रपति की ही ऑर्डर पे स्टे लगवाने के लिए। अरे भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सुप्रीम कोर्ट के भैया ये पॉसिबल नहीं है कि आप राष्ट्रपति के ही स्टे लगवा दें। तो ये चार पांच चीज़ें मैंने आपको, ये और इससे पहले जो स्लाइड थी ये इंपॉर्टेंट है और ये केस इंपॉर्टेंट है। एक तो मारूराम का केस इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न चौहान का केस इंपॉर्टेंट है और ईपीयू सुधाकर, इनकी हैरार्की भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, इस तरीके से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।